वी मेक्स यू कूल। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। 91 मोबाइल्स देखकर आप कूल जरूर बन जाते हैं, क्योंकि हम आपको नए नए गैजेट्स की जानकारी यहाँ पर देते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में ये जो बॉक्स आप मेरे सामने देख रहे हैं, दरअसल ये है ऑल न्यू वी कूल की तरफ से लॉन्च हुए मून वॉक M2 TWS, जो कि कुछ इस तरीके के बॉक्स में यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। हाल ही में कंपनी ने इनको लॉन्च किया है और आज मैं इनकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। फर्स्ट इंप्रेशन आप सभी के साथ शेयर करूंगा और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ये दोनों जो TWS हैं ये अपना बना सकते हैं। इन दोनों का गिव अवे भी मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। उसके रूल्स क्या होंगे वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएंगे। खैर, मैं यहाँ पर अनबॉक्स करता हूँ मूनवॉक M2 TWS को। आप देख रहे हैं 91 मोबाइल से, मैं हूं शिवम चौधरी। दोस्तों, सबसे पहले अनबॉक्स करने के लिए आप देख रहे होंगे इस पर एक फिल्म लगी हुई है, उसको मुझे यहां पर रिमूव करना होगा और पीछे प्राइस टैग भी लगा हुआ है। हालांकि ये जो प्राइस है इसका ओरिजिनल प्राइस नहीं है, जो इसका सेलिंग प्राइस है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। बड़ा ही कमाल का इंटरेस्टिंग प्राइस है। यस, फाइनली हम इसको एक हाथ से अनबॉक्स करने में कामयाब हुए और कुछ इस तरीके से बॉक्स कंटेंट इसके अंदर आपको मिल जाता है। सबसे ऊपर यहाँ पर देखेंगे तो केस रखा होगा दोस्तों, इसको हम हटाते हैं। तो ये है इन TWS के साथ मिलने वाला केस, जो कि बिल्कुल ब्लैक कलर में है। इसको फिलहाल अभी हम साइड में प्लेस करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देख रहे होंगे कि आप दोनों जो ईयरबड्स हैं आपको वो मिल जाएंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए, इनका डिज़ाइन दिया गया है। इनको फिलहाल मैं साइड में प्लेस करता हूँ और जो लेफ्ट वाला ईयरबड है वो भी आप देख सकते हैं। ये रहा, यहाँ पर हमने दोनों को यहाँ पर साइड में फिलहाल प्लेस कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पर तो कुछ नहीं है और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ईयरबड्स दिए गए हैं। अपार्ट फ्रॉम इट आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक चार्जिंग केबल दी गई है विच इज़ USB 2 Type-C एंड यहाँ पर आपको एक वारंटी कार्ड और क्विक स्टार्ट गाइड यूज़र मैनुअल टाइप, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। तो बॉक्स कंटेंट क्या है वो आपको यहाँ पर पूरा देख सकते हैं। अब बात करते हैं ईयरबड्स की। दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर केस और जो TWS हैं इनके डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे। तो केस पर सबसे पहले आप नज़र डालेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे सबसे ऊपर आपको लोगो के साथ वी कूल की ब्रांडिंग मिल जाती है और फिर यहाँ पर एक कैविटी दी गई है। ये कैविटी इस वजह से है जिससे आप इजीली ये जो केस है इसको यहाँ पर खोल सकें और इस तरीके से आपको इसके अंदर जो है यहाँ दो दो पिंस दिए गए हैं जिसकी मदद से ये TWS जो हैं ये चार्ज हो जाते हैं केस से और इस फ्लैप को आप इस तरीके से बंद कर सकते हैं। इसी के नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आपको चार इंडिकेटर्स लाइट दी गई हैं जो चार्जिंग को इसकी डिस्प्ले करेंगी और यहाँ पर USB Type-C पोर्ट दिया गया है जिससे आप इसको चार्ज कर पाएंगे। और यहाँ पर डिज़ाइन को थोड़ा सा अलग यूनिक बनाने के लिए, वैसे तो इस पर मैट फिनिश है लेकिन ग्लॉसी फिनिश के लिए एक छोटी सी यहाँ पर लाइन दी गई है, ये देखिए, जो कि पूरा इसकी बॉडी को कवर करती है। नीचे की तरफ बाकी कुछ नहीं, यहाँ पर मॉडल नंबर और बैटरी कैपेसिटी वगैरह और कुछ फीचर्स के बारे में लिखा गया है। तो केस तो ये है और इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो इट इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक, डिसेंट क्वालिटी की प्लास्टिक है, आपको बहुत ज़्यादा चीप यहाँ पर ये नहीं लगने वाला है और लाइट वेट भी है। बात करें हम ईयरबड्स की तो आप देखेंगे ईयरबड्स का डिज़ाइन थोड़ा सा यहाँ पर यूनिक ज़िगज़ैग टाइप दिया गया है और यहाँ पर भी कूल की ब्रांडिंग है। पीछे की तरफ आप देखेंगे एक माइक्रोफोन आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा। काफ़ी कर्वी डिज़ाइन दिया गया है, यहाँ पर इंडिकेटर दिया गया है लेफ्ट और राइट का और एक माइक्रोफोन यहाँ पर भी है और दो चार्जिंग पिन जो हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। दोनों ईयरबड्स में दो जो डिज़ाइन है वो कुछ ऐसा ही है। लेट्स टॉक अबाउट दी फीचर्स नाउ। तो मैं आपको बता दूं कि वी कूल मूनवॉक M2 जो ईयरबड्स हैं, दोनों ईयरबड्स जो हैं, इनमें आपको कनेक्टिविटी मिलती है ब्लूटूथ 5.1 की। इसके अलावा इनकी ट्रांसमिशन रेंज है 20 से 30 फीट। जी हाँ, यहाँ पर आपको नॉर्मली 10 फीट या 10 मीटर्स तक की कनेक्टिविटी मिलती है लेकिन इनमें थोड़ी ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी जो है, रेंज जो है वो थोड़ी सी बेटर है। इसके अलावा यहाँ पर म्यूजिक प्लेबैक जो टाइम है वो कंपनी क्लेम करती है 8 घंटे का, टॉक टाइम भी 8 घंटे का क्लेम करती है। बैटरी कैपेसिटी की बात की जाए तो चार्जिंग केस जो है इसकी जो बैटरी कैपेसिटी है दोस्तों वो है 400 mAh और जो
ईयरबड है, हर एक ईयरबड इसकी बैटरी कैपेसिटी 50 mAh है, तो बैटरी कैपेसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छा है। स्टैंड बाय टाइम कंपनी क्लेम करती है 120 घंटे का। चार्जिंग टाइम इन ईयरबड्स का 1 से 2 घंटे है, जो कि यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगता है। 1 घंटे तक हालांकि फुल हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 1 से 2 घंटे इनको लग जाते हैं ऐसा कंपनी क्लेम कर रही है। मैंने अभी टेस्ट यहाँ पर नहीं किया है, और टाइप सी पोर्ट के जरिए आप इसको चार्ज कर पाएंगे। तो ये हो गए कुछ इसके डिटेल्ड फीचर्स, और कुछ फैंसी फीचर्स की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको स्टीरियो ऑडियो बेस का फीचर मिलता है, A2DP टेक्नोलॉजी मिलती है, लाइट वेट तो ये है ही, साथ ही साथ मैग्नेटिक चार्जिंग केस जो है ये मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी पर काम करता है। तो ये सारे स्पेसिफिकेशंस हैं वीकूल के। और बात की जाए इसके प्राइस की, तो इनका प्राइस शुरू होता है 1599, जी हाँ 1599 रुपये का इनका प्राइस है। अमेजन से आप इनको खरीद पाएंगे, और कुछ इस तरीके के डिज़ाइन और बॉक्स के साथ ये आते हैं। बाकी अब फाइनली आते हैं कि आप इनको जीत कैसे सकते हैं। तो देखिए, मैंने आपको जैसे बताया था कि 2 पेयर हैं मेरे पास यहाँ पर मूनवॉक M2 के, एक ये रहा और एक मैंने आपको अनबॉक्स करके दिखाई दिया है। अब इन दोनों ही ईयरबड्स को जीतने के लिए मैं यहाँ पर 2 विनर सेलेक्ट करने वाला हूँ। तो गिव अवे के रूल्स कुछ इस तरीके से हैं, आपको हमारे YouTube पर हमें सब्सक्राइब करना है, Facebook और Insta पर हमें लाइक एंड फॉलो करना है, 91 मोबाइल्स को भी और मेरी प्रोफाइल्स को भी। सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उन सभी के स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रखने हैं। और हमें कमेंट करके ये बताना है कि आपको वीकूल के मोनवॉक M2 TWS जो हैं इनका सबसे बेस्ट फीचर क्या लगा है, और आपको मैं ये क्यों दूं, क्या आपके पास यूनिक रीजन है इनको जीतने का। मुझे अगर आप इंप्रेस कर पाए तो ये जो TWS है ये आपके हो जाएंगे। आज की वीडियो में खैर इतना ही था, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और इसी तरह की मजेदार टेक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए 91 मोबाइल्स को।